जेलर साहब, अरे ओ जेलर साहब, अरे इस खान के तो 100 फटकों पे मेरा एक झटका ही भारी है। अबे ओ बोकोड़ी के औलाद, तेरे किस्मत जोरदार है, ये लोग बीच में आ गए, वरना ये जमीन तेरे खून से लाल हो जाता। बंद करो ये बकवास। अरे इस जमीन पे किसका खून बहेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कल का दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, कल आजादी का दिन है और कसम खुदा का हम तुझे इस दुनिया से आजाद कर देगा। अरे हम तो अपनी माँ की पेट से ही जान हथेली पे लेके निकले थे खान, कौन नीचे रहता है और कौन ऊपर जाता है इस बात का फैसला ऊपर वाले पे छोड़ दे। अरे इधर कहाँ जा रहा है, उधर जा, चल चलो खाने से गोली मार दी। ओ माय गॉड, जल्दी इसे ऑपरेशन थिएटर ले चलो। मेरे ओम को बचा लीजिए, वो मेरा दोस्त है, मेरा प्रेमी है, मेरा होने वाला सुहाग है, उसे बचा लीजिए, उसे बचा लीजिए। इसे बचाना ही होगा, क्योंकि अगर ओम को कुछ हो गया तो मेरे अकबर को भी फांसी लग जाएगी। बहुत बड़ा जो अकबर खान ने ओम नारायण पे गोली चलाई, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर कि ओम नारायण की सजा आप माफ कर दें, क्योंकि ओम नारायण ने अपने बाप का गुनाह अपने सर लिया है। ओम नारायण ठीक होते रिहा हो सकता है, बस शर्त है पुलिस अपनी रिपोर्ट वापस ले ले। ये रही रिपोर्ट सर। इंस्पेक्टर साहब, ऑपरेशन कामयाब रहा, मिस्टर ओम नारायण अब खतरे से बाहर है, सुबह तक इन्हें होश आ जाएगा, फिर आप लोग बयान ले सकते हैं। क्या ओम नारायण बच गया? अच्छा हुआ वो बच गया, वरना तो मैं फांसी हो जाता। जेलर साहब, आपका ड्यूटी कितने बजे तक है? रात के 10 बजे तक। क्यों? थोड़ी देर के लिए मुझे छोड़ दो, खुदा कसम मैं अस्पताल जाकर उसे गोली मार दूंगा, और वादा करता हूँ आपकी ड्यूटी खत्म होने से पहले मैं वापस आ जाऊंगा। ओम नारायण, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ए, कौन हो तुम, कहाँ जा रही हो? ए, कार्ड है? कार्ड? देखो ना, मेरे पास राशन कार्ड है, ना पोस्ट कार्ड है, ना बैंक का कार्ड है। अरे आपन ने अभी तक शादी का कार्ड नहीं देखा, ये कौन से कार्ड के बारे में बात कर रही है? कहाँ जा रही हो? कहाँ? देखो मैं घर वाली हूँ, घर वाले को देखने जा रही हूँ। बाहर से आ रही हूँ, अंदर जा रही हूँ। तेरे को कोई तकलीफ है? नहीं नहीं है ना, चल चल। एक पप्पी दो ना, फिर भी एक ले। हाँ क्या हुआ? माँ। फिर माँ बोला तुमने? अबे तू नहीं मेरी असली माँ आ गई बेटा। माँ। अरे लेते रहो बेटे, लेते रहो। नहीं मैं ठीक हूँ। मुझे सब कुछ मालूम है, इसने तो सारी रात भर तेरी सेवा की है बेटे। अच्छा हुआ माँ तुम आ गई, वरना ये और भी सेवा करती। आई बेटे, तेरी पसंद मुझे बहुत पसंद है। देखा? मेरे नहीं माँ के। इसके बापू को तेरे बापू से मिला दे, ताकि शादी की बात जल्दी पक्की हो जाए। वो माँ इसका बाप जैसा बाप तो है, मगर मगर बाप नहीं है। तो शादी की बात कौन करेगा? शादी की बात करने के लिए माँ बाप की क्या जरूरत है?
मैं जाके डायरेक्ट बात करूंगी। नमस्ते। ये निधि आपकी। ये घड़ी लौटा कर, तू जरूर मुझसे कोई बहुत बड़ी चीज मांगने आई है। मेरे लिए बहुत बड़ी है लेकिन आपके लिए बहुत छोटी है। बोल। मैं आसरा मांगने आई हूँ, सहारा मांगने आई हूँ। गलत जगह आई है। सही जगह पर आई हूँ। मैं वो हक मांगने आई हूँ जो हर औरत को मिलना चाहिए, वो है घर, पति, परिवार। मैंने भी घर बसाने का सपना देखा है, मुझे मेरे माँ बाप ने तो नहीं अपनाया। आप बाप बनकर मुझे अपना लीजिए, मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ। बेटी? बेटी तो बोझ होती है, जिस दिन पैदा होती है माँ बाप के गले का फंदा बन जाती है, और इसीलिए जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई तो मैंने बेटी को पैदा करने के बजाय इंसान सारी जिंदगी बेऔलाद रहे तो आधा रोना पड़ता है, समझे? मगर बुजुर्गों ने कहा है बेटी घर की लक्ष्मी होती है। बुजुर्गों ने नहीं, बेवकूफों ने कहा है, पर मैं बेवकूफ नहीं हूँ। घर का असली चिराग होता है बेटा, जो दौलत लाता है, घर की बेटी लाता है और साथ में जहेज लेकर आता है। बेटी क्या चीज है? बेटी तो माँ बाप के जीवन का अंधेरा होती है, सारी जिंदगी उसको खिला पिला के बड़ा करो और एक दिन वो मांग में चवन्नी का सिंदूर लगा के दूसरों के घर चली जाती है और जहेज की शक्ल में दौलत भी ले जाती है। इसलिए मुझे बेटी जात से नफरत है, नफरत। बापूजी, अगर आपकी अपनी बेटी होती तो आपका दिल पत्थर ना होता। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे अपनी बेटी बना लीजिए तो आपका दिल पत्थर से मोम हो जाएगा। मुझे अपने बाप का प्यार नहीं मिला, आपको बेटी का प्यार नहीं मिला। बस मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे अपने प्यार के दामन में बिठा लीजिए। ये बदनसीब बेटी मरते दम तक आपको बेटी का प्यार देगी और बहू का सुख भी देगी। तो तुम मेरी बहू बनना चाहती हो? तेमा जानती हो उसकी? बड़े बड़े घरों से रिश्ते आए, लोग अपनी बेटियों को मेरे घर की बहू बनाना चाहते थे, मगर सब निराश लोग हुए। 10 लाख कीमत है उसकी, है तुम्हारे पास? बापूजी, मैं आपकी बेटी को खरीदने के लिए नहीं आई हूँ, इस घर की लक्ष्मी बनने आई हूँ। लक्ष्मी बनने आई हूँ? तो एक काम करो, पहले जाकर आईने में अपनी शक्ल देखो, बाजार में अपनी कीमत पूछो, फिर अपने दिल से सवाल करो कि तुम घर की बहू तो क्या नौकरानी भी बनने के लायक हो या नहीं। नहीं बाबूजी, समझ कीजिए, मुझे अपने चरणों में जगह दीजिए। चरणों वरणों में कोई जगह नहीं उठिया है। बाबूजी, आज आपने लक्ष्मी को घर से निकाला है, लेकिन याद रखिए, जब लक्ष्मी घर से जाती है तो घर का चैन, सुख, खुशियां सब कुछ साथ लेकर जाती है। मैं आपके चौखट से निराश होकर जा रही हूँ, लेकिन अपनी बद्दुआएं छोड़कर जा रही हूँ। आज आपने मुझको ठुकराया है, लेकिन कल तकदीर आपको ठुकराएगी, याद रखना। फैक्ट्री में आग लग गई सर, सारी फैक्ट्री जल के राख हो गई है सर। क्या? हाँ जी, सब कुछ जल के राख हो गया है सर।